वेलकम स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 9th आईआईटी के अंतर्गत यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के कॉन्सेप्ट को हम एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में आ जाता हूँ। इंट्रोडक्शन, तो ये स्प्रेडशीट का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में आया कहाँ से? जब आप जो है प्राइमरी क्लास में थे, प्री प्राइमरी क्लास में थे, तो आपका मैथमेटिकल का जो बुक रहता था वो किससे बना रहता था? रो एंड कॉलम से बना रहता था, जिसको हम बोलते थे स्प्रेडशीट। और आज के समय में यही काम जब हम कंप्यूटर में करते हैं, जिसमें रो एंड कॉलम होता है, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो रो एंड कॉलम से बना हुआ जो शीट रहेगा उसको बोला जाएगा स्प्रेडशीट, और यही जो कंप्यूटर के थ्रू किया जाएगा तो इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जो काम हम पहले फिंगर से करते थे, माइंड से सोचते थे, वो सारा काम हम क्या कर सकते हैं, इसी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से किया जा सकता है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के लिए को क्रिएट करने के लिए हम डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। इस साल जो हम एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे वो है लिब्रर ऑफिस कैल्क, इसके अलावा होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके अलावा होता है ओपन ऑफिस कैल्क, इसके अलावा होता है एप्पल इन नंबर्स। इस एप्लीकेशन का यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में जो काम किए जा सकते हैं वो कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या काम किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला किया जा सकता है टेबुलेशन ऑफ डेटा, देन उसके अलावा जो है सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फिर इसके अलावा जो किया जा सकता है वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूजिंग द फॉर्मूला एंड फंक्शन, इसके अलावा जो काम किया जा सकता है वो है अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, नेक्स्ट जो काम किया जा सकता है फिल्टरिंग द रिक्वायर्ड डेटा, इसके अलावा जो काम किया जा सकता है चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ डेटा, नेक्स्ट यहाँ पे और काम किया जा सकता है प्रोटेक्टिंग ऑफ डेटा यूजिंग पासवर्ड, नेक्स्ट जो काम किया जा सकता है सेविंग फॉर फ्यूचर यूज। तो इस तरीके से डिफरेंट काम जो है किसके थ्रू किए जा सकते हैं, लिब्रर ऑफिस कैल्क के थ्रू किए जा सकते हैं या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के जो वर्किंग एरिया के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है वो बना रहता है रो एंड कॉलम से। अब यहाँ पे जो रो एंड कॉलम है उसमें से जो वर्टिकल लाइन्स होते हैं उसको बोला जाता है कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होते हैं उसको बोला जाता है रो। अब मैक्सिमम यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ रो की, तो 10,48,576 क्या होते हैं, रोज होते हैं। वहीं पे कॉलम की बात किया जाए तो 1,024 क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो सेल होता है। अब सेल के कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। सेल होता क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम जब मिलते हैं तो उसके बीच में एक बॉक्स बनता है, इसी बॉक्स को बोला जाता है सेल। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेल एड्रेस। अब जब ये रो एंड कॉलम आपस में मिलेंगे तो इस रो एंड कॉलम का एक एड्रेस होता है, जिसमें से रो का जो नंबर होता है वो होता है 1, 2, 3 से, वहीं पे कॉलम का जो एड्रेस होता है ABC से। जब ये आपस में जब इंटरेक्ट होते हैं, जब आपस में मिलते हैं, तो उससे एक बॉक्स बनेगा, और उस बॉक्स का एड्रेस किससे मिलकर बना रहेगा, कॉलम एड्रेस एंड रो एड्रेस, इसी को बोला जाता है सेल एड्रेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्टिव सेल। जो करेंटली सेलेक्टेड सेल होता है MS Excel में या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, उसको क्या बोला जाता है, एक्टिव सेल बोला जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं वर्कशीट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से क्या बन जाएगा, सीट बनेगा, और इसी सीट को बोला जाता है वर्क सीट। बाय डिफॉल्ट जो है लिब्रर ऑफिस कैल्क में जो है 1 सीट होता है, यहाँ पे आप चाहो तो नंबर ऑफ सीट आप इंक्रीज कर सकते हो, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ऐसे ये सीट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते चाहेंगे, चाहे तो इसका नेम हम क्या कर सकते हैं, रीनेम किया जा सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आ जाएगा वर्क बुक का। अब ये जो सीट्स होते हैं इनको हम जब सेव करते हैं तो ये वर्क बुक के नाम से सेव हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क सीट को बोला जाता है वर्क बुक। अब जब इस वर्क बुक को सेव करते हैं तो इसका एक एक्सटेंशन नेम होता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन नेम होता है, तो ये जो लिब्रर ऑफिस कैल्क है इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम बात करेंगे फॉर्मूला एंड फंक्शन के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।